हाँ जी, तो सफाई हो गई है। अब मैं आपको बता दूं कि सफाई किस लिए हो रही थी। मैं लेके आया हूँ ये देखिए, ग्रीन ग्रास टर्फ फॉर दिस स्पेसिफिक कॉर्नर ऑफ आर टेरेस, बिकॉज वी वॉन्ट टू रीवैम्प दिस कॉर्नर और इसको बिल्कुल नया बनाना है। इसके साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें लाया हूँ। रीवैम्प का काम हम शुरू करते हैं और वीडियो के एंड तक मैं आपके साथ शेयर करूँगा ग्रास टर्फ की कॉस्ट, इसका एरिया पर स्क्वायर फीट ये क्या रेट पे मिलता है, मैंने कहाँ से लिया, और जो बाकी चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ रीवैम्पिंग में वो मैंने कहाँ से ली और कितने की पड़ी और टोटल बजट हमने कितना लिया छत के इस कॉर्नर को रीवैम्प करने के लिए। इसको लगाएं इससे पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी आपको बतानी थी। कभी भी आप टर्फ लें, आर्टिफिशियल ग्रास लें अपने बालकनी के लिए, अपने टेरेस के लिए, तो आपने एक बात बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखनी है। जो आपने कारपेट लेना है वो लेना है जिसमें ऑलरेडी ड्रेनेज होल्स बने हों। ये देखिए, इसके अंदर जो है ये ड्रेनेज होल्स बने हैं, इसका मतलब जब भी बारिश आएगी तो इस ग्रास कारपेट में कभी भी पानी इकट्ठा नहीं होगा और इसमें से ड्रेन कर जाएगा। ओह, बहुत ही मेहनत है भाई। एक बार सेट हो जाए फिर तो बिछाना आसान है। अब नेक्स्ट चैलेंज आता है इसको काटने का। उसके लिए मैंने ये सीजर्स लिए हैं, लोहे वाली सीजर्स हैं। ये देखिए, चाहे तो आप कटर भी ले सकते हैं बट ये सीजर अच्छी रहती है। और यहाँ से हमें बिल्कुल सीधा जाना है, सो लेट्स ट्राई टू कट दिस। अनफॉर्चुनेटली उससे बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। इट्स ईजियर टू कट विद कटर, जो ब्लेड वाला होता है, तो इसी से काटिएगा, ज़्यादा आसान होगा। अभी आजमाया है तो कटर से बहुत आसानी से कट हो गया है। ये पोर्शन हमने बहुत जल्दी कवर कर लिया है। अब इसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है, जहाँ पर कम है पैच वहाँ थोड़ा ज़्यादा लगाने का ऐसे सिस्टम बनाना पड़ेगा। बाकी अभी जो उधर का एरिया है उसको भी कवर करना है, पहले ज़रा वहाँ मैट बिछा लें। अच्छा लग रहा है ना? अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी वो कॉर्नर रह गया है, और ज़रा इस साइड वाला भी कटिंग कर लें अच्छे से, उसके बाद वो कॉर्नर रह जाएगा। और फिर कुछ सरप्राइजेज हैं जो इसको और चार चांद लगा देंगे। अच्छा लग रहा है ना? राही ने भी अप्रूवल दे दिया है। राही, अच्छा लग रहा है? ओके, राही को नीचे ही खेलना है तो हम राही को नीचे ही छोड़ देते हैं। राही वॉक, चलो मम्मा पास, गो 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 गो। तो जितने टाइम राही वॉक कर रही है हम थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ और सामान मैंने मंगाया है, जिसमें से एक है ये टेबल, प्लास्टिक की है लेकिन बड़ी यूज़फुल है। ये हम अपने ग्रीन एरिया में सिटिंग एरिया बना रहे हैं। चेयर्स हमारे पास ऑलरेडी पड़ी थी। एक चीज़ और है, वो अभी तक डिलीवर नहीं हुई है। यस, यू वांट टू सिट हियर? बैठना है आपको? ओके, सिट। तो राही वांट्स टू डू व्हाटएवर हर पापा और मम्मा और बुआज और दादी आर डूइंग, सो एनीवेज शी इज़ रियली हैप्पी। हमारा जो अमेज़ॉन से एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है वो अभी तक नहीं आई है, तो ये वीडियो तभी कम्प्लीट होगी जब वो हमारी चीज़ डिलीवर हो जाएगी। तो फिलहाल हम उसकी वेट करते हैं। अभी थोड़ी पौधों की सेटिंग और कर लें। ये कॉर्नर जो है मैंने ऑलरेडी वापस से सेट कर दिया है, जो हमारी ग्रिल्स थी रिफर्बिश्ड वाली। आपने वीडियो नहीं देखी तो देखिएगा ज़रूर। वेलकम टू डे 2 ऑफ आर टेरेस कॉर्नर रीवैम्प। और उसी रीवैम्प के लिए जो हमने ये हमारे आयरन प्लांट स्टैंड्स थे जो रिफर्बिश किए थे, उनमें जो नीचे का एरिया है ये वाला वो खाली था, तो उनके लिए मैं बहुत ही सुंदर सक्यूलेंट्स लेके आया हूँ आज ही नर्सरी से। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सक्यूलेंट्स मैं दिखा देता हूँ आपको अभी। ये वाला है, एक ये वाला है, और ये वाला है। मेरा फेवरेट जो है इनमें से वो ये वाला है, बहुत ही अपीलिंग टू द आई है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट कौन सा है।
कल हमारा जो ये पोर्शन है ये रह गया था, और यहाँ के जो प्लांट्स जो गमले थे वो मैंने नहीं लगाए थे बिकॉज़ आई वाज़ वे टू टायर्ड आफ्टर सेटिंग अप ऑल ऑफ दिस। तो अभी मैंने जो ये प्लेट्स हैं वो मेरे को प्लेट्स भी कम पड़ गई थी, एक रीज़न ये भी था कि मेरे पास इनफ प्लेट्स नहीं थी बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू पुट द प्लांट्स डायरेक्टली ऑन दिस ग्रास, अदरवाइज जो ड्रेनेज होल्स हैं वहाँ से बहुत कीचड़ आएगा और गंदा हो जाएगा सारा। मरुआ प्लांट का एक डंडी जो है वो गलती से शायद कल टूट गई है, बट कोई बात नहीं, इसके लीव्स तो यूज़ हो जाएंगे। अगर आपने मरुआ वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये तुलसी नहीं है लेकिन तुलसी से कम भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं इस पौधे में। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको भी देखिएगा। तो जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए था ये दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई। अमेज़ॉन से पार्सल आ गया है और इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली व्हाट डिड आई ऑर्डर फॉर दिस लिटिल ग्रीन कॉर्नर ऑफ आर टेरेस। स्मॉल लिटिल फेंसेस बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं, ये वाइट कलर के फेंस, आई ऑर्डर देम फ्रॉम Amazon। क्वालिटी ऑल्सो इज़ रियली वेरी गुड, मतलब इट्स आई थिंक इट्स आई डोंट अंडरस्टैंड द मटीरियल बिकॉज इट्स ए सॉलिड WPC। तो अगर आपको पता हो कि WPC का क्या मतलब होता है तो मुझे बताइएगा, कि मुझे थोड़ा सा वुड का टेक्सचर दे रहा है लेकिन प्लास्टिक लग रहा है। वन बॉक्स वो मैंने पहले ही ओपन कर लिया था, उसमें है दैट इज़ इक्वल टू 6 feet ऑफ फेंस एंड दिस हैड 2 sets, सो दिस हैज़ 12 feet ऑफ फेंस। इसको लगा के अब हमें सेट करके देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितना एरिया कवर करता है, बट जितना भी करेगा आई थिंक इट शुड लुक वेरी ब्यूटिफुल। जो ये साथ में जो जुड़ेंगे फेंस वो नट बोल्ट से ही जुड़ेंगे और वो फेंस फ्लैट सर्फिस पे ऐसे ही खड़ा हो जाएगा, बट अगर आप गार्डन में गाड़ना चाहें तो आप इन स्पाइक्स के थ्रू भी गाड़ सकते हैं। नीचे इसमें जगह दे रखी है, ये देखिए स्पाइक्स लगाने की नीचे जगह है। इंस्ट्रक्शन से कि इसको राइट टू लेफ्ट लगाना है और साथ में ये स्क्रूज भी दिए हुए हैं। पेचकस मैं ले आया हूँ, राइट टू लेफ्ट मतलब ऐसे इनको जोड़ते जाना है टुवर्ड्स दैट साइड। आई हैव बीन जॉइंड बाय राही एंड भव्या। राही इज बिजी प्लेइंग विद हर कार्डबोर्ड बॉक्सेस and Bhavya is helping me out with setting up the fencing. Let's see. तो basically ये nut bolt है और ये यहाँ पर इनको connect करना है ऐसे from right to left और बस ऐसे ही इसको connect करते जाना है। Rahi is really enjoying this special green area of hers. बहुत मज़ा आ रहा है ये, look at her. I'm really happy कि ये मेहनत के बाद Rahi के चेहरे पर खुशी है। We're almost through with this, just joining, almost final. Rahi, hello bol do, say hi. Oh, she's playing with a boa at the moment. Say hi, Rahi. Okay, so Rahi said hi. Bhavya is busy, I am busy. Shaam ka bahut maza aa raha hai, the sunset, evening and our terrace garden work. Beautiful evening to sum it up. Bhavya is trying to set it up. देख रही है कैसा लगेगा, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।
जिस घर में आपने अपनी लाइफ के 30 में से 27 साल गुजार दिए हों, वहाँ छोटा सा चेंज भी आपको एक यादों के कारवां पर ले जाता है। ये यादें ही तो हैं जो आपको एहसास दिलाती हैं दैट यू हैव कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे। कंप्लीट हो गया है हमारा राही का प्ले एरिया, या फिर हम कहें हमारे लिए सिटिंग एरिया एंड अ लिटिल पार्टी एरिया। फेंस भी लग चुका है, बहुत सुंदर लग रहा है। राही मज़ा आ रहा है, जाओ मम्मा पास, गो 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 गो। तो राही भी बहुत इंजॉय कर रही है। सेटअप कंप्लीट हो गया है। निटी ग्रिटीज अबाउट दिस मेकओवर, द एंटायर टर्फ, ग्रास टर्फ विच इज़ 200 square feet कॉस्ट मी 8,500 rupees, 43 rupees पर स्क्वायर फीट। और जो ये साइड के फेंसेज हैं, सो दिस कॉस्ट मी फेंसिंग 1200 पर बॉक्स। आई गॉट 3 boxes, ईच बॉक्स वॉज 6 feet, तो दिस इज़ टोटल 18 feet इन लेंथ। वो मुझे पड़ा 3600 का। और ये जो हम एक प्लास्टिक की टेबल लाए हैं मूवेबल, दिस कॉस्ट इज 1000 rupees। जो मैट है ये मैं तिलक नगर से लाया था, ये जो टेबल है ये जेल रोड मार्केट से लाया हूँ। सो ऑल इन ऑल द मेक ओवर कॉस्ट अस 13,000 rupees, लेकिन इन दीज 13,000 rupees दिस एरिया ऑफ आर टेरेस लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आप बने रहिए बेकिंग गार्डनर व्लॉग्स के साथ। हम छत पे बहुत कुछ नया करते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सर्दियों की सब्जियाँ लगने वाली है, नज़र बनाए रखिएगा। डू सब्सक्राइब टू आर चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। See you again in the next video. Till then, good evening. Take care.